फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मालदीव सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो माले एयरपोर्ट है, इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का एक ओवरऑल टूर कराऊंगा, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अराइवल गेट से बाहर निकलते हैं, आपको ATMs कहां मिलेंगे, फार्मेसी कहां पर है, आपको अगर कोई मनी एक्सचेंज कराना हो वो कहां पे है, हेल्प डेस्क कहां पर है, और आपका अगर कोई अपने बोट वगैरह बुक कर रखा है तो उसके काउंटर्स कहां पे होते हैं, आपको कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकल के आपके फेरी के लिए जो जेटी पॉइंट है वहां तक जाना है, अगर माले सिटी का आप टूर करना चाहते हैं वहां के लिए आपको गवर्नमेंट फेरी या टैक्सी लेना हो तो ये कहां से आपको मिलेंगे, इसके क्या फेयर रहेंगे। सो मैं आपको अंदर से अराइवल गेट के पास से मैं आपको दिखाऊँगा एक एक चीज़, और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू कम टू मालदीव्स और कम टू माले आपको कोई परेशानी ना हो और आप जो है बड़ी आसानी से अपने स्पीड बोट या फिर कोई और ट्रांसफ़र हो वो आप ले सकें। तो बिना स्किप किए बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो ये है माले एयरपोर्ट का अराइवल गेट, दिस इज़ द वन एंड ओनली अराइवल गेट। आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी फ्लाइट से आए, आपको यहीं से आपको एग्जिट करना पड़ेगा एयरपोर्ट से, और आपको मालदीव्स के अंदर एंट्री मिलेगी। तो जैसे ही आप यहां से बाहर निकलते हैं इस गेट से, आपको यहां से आपको तीन रास्ते मिल जाते हैं। एक है आपके लेफ्ट की तरफ, यहां से आपको एक रास्ता मिलेगा लेफ्ट की तरफ जाके, और राइट मुड़ना है तो आप बाहर निकल सकते हैं। एक सीधा यहीं से आप जो है सीधा यहां से बाहर निकल सकते हैं। एक्चुअली वो लेफ्ट वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सामने जाके एक ही जगह मिल जाता है, और वहीं से आपको एग्ज़िट मिल जाएगा। एकदम सामने से यहां से भी आप बाहर निकल सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। यहां से भी आपका सीधा आपको ये बाहर लेके जाएगा, और एक है इस तरफ से आप थोड़ा आगे जाके लेफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। सो इस तरह से तीन चार एग्ज़िट पॉइंट है यहां से, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं जाना है। अगर आपने किसी रिसॉर्ट से बुकिंग करा रखा है और उनके पर्सन्स आपको पिकअप करने आएंगे ऐसा बोलते हैं, तो आइदर वो इस तरीके से आपके लिए बोर्ड लेके खड़े होंगे। यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग आप देख सकते हैं उनके पर्टिकुलर गेस्ट का नाम अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। अदरवाइज़ अगर वो बोलते हैं हमारा माले एयरपोर्ट में काउंटर नंबर 1 है 2 है या जो भी इसका काउंटर नंबर है, तो जैसे ही आप यहाँ बाहर निकलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं। ये सारे एक एक रिसॉर्ट या कोई ट्रैवल कंपनी या टूर कंपनी के काउंटर्स हैं, वो आपको अपना काउंटर नंबर बता देंगे। आप देख सकते हैं काउंटर नंबर 010203 ऐसे करके आपको लगभग यहाँ पे आई थिंक गिन तो नहीं पाऊँगा मैं, वहाँ उस कोने से ले कर छोटे छोटे सारे काउंटर्स हैं, लगभग 100 काउंटर्स होंगे यहाँ पर। सो यू कैन सी 7, 8, 9, 9B अलग अलग चीज़ों के काउंटर है। आप उसके सामने जैसे ये काउंटर नंबर 55 है, इसके सामने आप देख सकते हैं ये किसी एक रिसॉर्ट का काउंटर है, द रेसिडेंस मालदीव्स का, देन ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओके, सो इस तरीके से अगर आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, आपके रिसॉर्ट या आपके ट्रैवल कंपनी आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि आप बाहर निकलते ही काउंटर नंबर 100 में आ जाइए, तो आप यहाँ काउंटर नंबर ढूंढ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए और उस काउंटर के सामने चले जाइए, वहाँ से आपको वो आपको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ आपने अगर आईकॉम टूर जो है माफूसी का और यहाँ का एक प्रोमिनेंट टूर कंपनी है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से अगर आपने बुकिंग करवाया होगा तो उनके कॉन्टैक्ट पर्सन्स होंगे, उनका काउंटर यहाँ नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन्स होंगे जो ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हेल्प डेस्क है, इसके सामने वो खड़े रहते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं आपको जाके दिखाता हूँ हेल्प डेस्क के पास। तो सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको इस एंट्रेंस का आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से तीन चार एग्ज़िट है, ऐसे लेफ्ट से एक जा सकते हैं, यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं, इस तरफ से एक बाहर निकल सकते हैं, और राइट साइड से भी आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, नाउ राइट साइड में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको जाके एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपका सी प्लेन वगैरह या फिर यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट वगैरह आपने ले रखा है, तो आपको यहाँ पे यहाँ का जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उनका काउंटर मिल जाएगा राइट साइड में। सो यहाँ पे कुछ शॉप्स है, शोरूम्स है। सो ये आपका जो है ट्रांस मालदीव्स एयरवेज, इसका काउंटर है यहाँ पे। सो ये यहाँ का डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेटर है, सो TMA ट्रांस मालदीव एयरवेज। तो आपने अगर फ़्लाइट लिया हुआ या आपको फ़्लाइट बुक भी करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, और ये आपको फिर यहाँ से गाइड करेंगे आपको कैसे कहाँ पे सी प्लेन के लिए जाना है। ओके, और यहीं से एक और एग्जिट गेट है जहाँ से अगर आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको मिल जाता है ये ब्यूटीफुल सा मालदीव का फ़ोटो क्लिकिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो यहाँ पर आकर आप थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, इनकेस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपको अगर बैंक, ATM या फार्मेसी वगैरह जाना है, वो सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में है,
या फिर कोई हेल्प डेस्क में कोई हेल्प चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगी। जैसे मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ, देयर इज़ अ बैंक ऑफ मालदीव्स और उनका ATM भी है यहाँ पे। देन देयर इज़ अनदर बैंक, हबीब बैंक, इसका भी एक ATM है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हेल्प डेस्क एरिया है। इस पर्टिकुलर हेल्प डेस्क एरिया में आके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आपको किसी को छोटा मोटा कॉल करना, आप इनको बोल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे फ़ोन भी रखा हुआ है, तो जस्ट यू कैन मेक अ फ़ोन कॉल इफ़ यू डोंट हैव अ कनेक्टिविटी। और इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ टॉयलेट वगैरह है, यहाँ पे प्रेयर रूम है, देर इज़ अ प्रेयर रूम ऑल्सो। एंड देन जस्ट नेक्स्ट टू दैट देर इज़ अ फार्मेसी। आपको कुछ अगर मेडिकल हेल्प चाहिए आप ये फार्मेसी में आ सकते हैं। एयरपोर्ट में ही ये फार्मेसी है, जस्ट ये बैंक के पास में ही है फार्मेसी, यहाँ पे आप आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से बाहर निकल के दिखाता हूँ कि अगर आपका कोई बुकिंग आपने नहीं किया है, अगर आप डायरेक्टली आपको कैश पे करके आपको जाना है, तो ये हेल्प डेस्क वाला एरिया है। यहाँ पे आपका आईकॉम के पर्सन्स खड़े रहते हैं, ये थोड़ा बहुत सिटिंग एरियाज है यहाँ पे। सो मैं ये लेफ्ट साइड वाले एरिया से मैं बाहर निकल रहा हूँ अभी। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से आप टैक्सी वगैरह, बसेस वगैरह भी यहाँ चलते हैं, वो कहाँ से आप पकड़ सकते हैं। ओके, जो मैंने सेंटर्स लोकेशन से मैं निकलने का रास्ता दिखा रहा था वो यहाँ से आएगा और वो भी यहीं पर मैच हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही आप इस पॉइंट तक आ जाते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द एयरपोर्ट एरिया, आपको ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा और आपको उस तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो है बोट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे पुलिस रहती है हर चीज़ के लिए, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी अगर आपको मेरे से नहीं मिलती है आप कमेंट में भी मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज़ आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए, यहाँ सब हेल्पफुल है, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, देर इज़ नो इश्यू। ओके, नाउ दे विल मेक यू टू क्रॉस द रोड। सो ये व्हीकल को रोक के आपको क्रॉस करवाते हैं। सो नाउ एज सून एज यू क्रॉस द रोड यू आर इन द जेटी पॉइंट। यहीं पे आपके सारे बोट्स आएंगे, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव आपको लेके आते हैं तो वो भी यहीं पे आपको लेके आएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ आके वेट कर सकते हैं, आपका बोट दिख जाएगा। सबके बोट में उनका नाम लिखा रहता है। यहाँ देखिए जैसे अड्रान का ये बोट है, इस तरीके से हर बोट का अपना अपना नाम लिखा हुआ है। तो यहीं कहीं इस ये एंड से लेके यहाँ पे कुछ 8-10 प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं, ये दिस लास्ट एंड तक। यहाँ तक में जो मेन जो प्राइवेट बोट्स होते हैं या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बोट्स होते हैं यहीं पे रुकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर आपके आइलैंड जाना है, आपने ऑलरेडी बुक करा रखा, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ है, तो ऑब्वियसली आपको वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप खुद से जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गो टू माले और सम अदर प्लेस, यहाँ से जो फेरी है गवर्नमेंट फेरी है वो यहीं से मिलेगी आपको। यहाँ से आपको टिकट बुक करना है और आपको जाना है। और अगर आपको टैक्सी चाहिए वो भी यहीं से मिलेगी, और आपको अगर बसेस पकड़नी है वो भी यहीं से मिलेगी। चलिए मैं आपको वो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ। सो जैसे आप यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं लेफ़्ट की तरफ, मतलब रोड क्रॉस करके मैं लेफ़्ट की तरफ आ गया हूँ, और जैसे थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे फेरी टू माले। ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड फेरी है माले के लिए, हर 10-15 मिनट में एक फेरी मिल जाएगी आपको। सो ये आपका फेरी पॉइंट है। सो यहाँ से जो फेरी है ये आपको 10 रुपया, मालदीवियन करेंसी में 10 रुपया में आपको यहाँ से पर पर्सन लेके जाएगा माले। अदरवाइज़ यू कैन पे $1। थोड़ी देर में यहाँ पे फेरी आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हर 10-15 मिनट में फेरी आ जाती है यहाँ पे। ओके, मैंने बात किया और ये फेरी आ गई। आई थिंक दिस इज़ द गवर्नमेंट फेरी विच विल जस्ट डॉक हेयर। सो चलिए मैं आपको इसके बाद आगे दिखाता हूँ कि आपको टैक्सी कहाँ से लेना है। जस्ट इसी फेरी के ऑपोजिट में आपको यहाँ से ये क्यू दिख रहा है, आपको ये क्यू से आपको आना है और यहीं पे आपको जो है सारी टैक्सीज मिल जाएंगी। क्यू से जैसे आप बाहर निकलेंगे, यहाँ जो आपको टैक्सीज लिखे हुए, जिन कार्स के ऊपर टैक्सी लिखे हुए, दोज आर ओनली हायर्ड कार्स। यहाँ पे जो व्हीकल्स है दीज आर ऑल आई थिंक बुक्ड व्हीकल्स, किसी होटल के होंगे या किसी का पर्सनल होगा। अदरवाइज़ जिसके ऊपर टैक्सी लिखे हुए हैं दोज आर ऑल हायरिंग टैक्सी, आप इनको हायर कर सकते हैं। आप सीधा यहाँ तक जा सकते हैं, उनमें उनके ड्राइवर बैठे हुए आप देख सकते हैं, सीधा आप जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं आपको माले में कहाँ जाना है, तो ये आपको हार्डली $5 के आसपास चार्ज करेंगे। सो अभी देखिए किसी ने यहाँ पे एक टैक्सी बुक किया तो उनको जस्ट लेके वो टैक्सी निकल गई और नेक्स्ट टैक्सी इज़ नाउ इन फ्रंट। सो इस तरीके से आपका जो है एक एक टैक्सी यहाँ से निकलती रहेंगी, रेडी रहती है टैक्सियाँ। आप $4 से $5 देके आराम से यहाँ से माले सिटी तक जा सकते हैं। अगर आपको घूमना है माले सिटी, या आपका वहाँ पे कोई होटल बुकिंग है, या आपको गवर्नमेंट फेरी पकड़ना है वहाँ से माफूसिया और अदर आइलैंड के लिए, तो आपको माले सिटी तक जाना पड़ेगा। माले एयरपोर्ट से हर फेरी ऑपरेट नहीं करती है, जो गवर्नमेंट फेरीज होती है वो माले सिटी से ऑपरेट करती है। ये आपका जो ये वाला जो एरिया है ये माले एयरपोर्ट है, और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसे ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड बनाया गया आइलैंड है। और ये जो सिटी आप देख सकते हैं ये है माले सिटी।
सो ये दोनों थोड़ी डिस्टेंस पे है और इसको कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया हाल ही में। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज है, मैं आपको और क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो आप मैप में भी चेक कर लीजिए, आप गूगल मैप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक क्लियरली ये ब्रिज दिखेगा। ये ब्रिज आपका जो है ये एयरपोर्ट वाला आइलैंड माले का और माले का जो सिटी है इसको कनेक्ट करता है। सो आपके जो टैक्सीज हैं और बसेज हैं वो इसी ब्रिज से होते हुए आपको सिटी तक पहुँचाएँगे, और जो फेरीज है प्राइवेट फेरीज या गवर्नमेंट ऑपरेटेड फेरीज है वो यहाँ से आपका सीधा ऐसे बाहर निकलेगा और ऐसे करके एकदम 5 मिनट में पहुँचा देगा। सो बाय रोड जाए या बाय वाटरवेज जाए आपको दोनों में ऑलमोस्ट एक ही टाइम लगेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहता है दोनों का। तो आप माले सिटी तक जाने के लिए आइदर यू कैन टेक दिस टैक्सी बाय पेइंग ए $5 विच इज़ मच फास्टर, आपको 5 मिनट में पहुँचा देगा। अदरवाइज़ यू कैन टेक दिस गवर्नमेंट फेरी टू माले, ये आपका $1 में पहुँचाएगा। सो $1 या फिर 10 रुपया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माले, यू कैन गो टू आइदर योर प्राइवेट आइलैंड, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव लेके जाते हैं तो प्राइवेट आइलैंड में आप जाएंगे, और अगर आप पब्लिक आइलैंड में भी जाना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी बुकिंग करा रखा है तो वो भी आपको यहीं से लेके जाएंगे, और आपने कोई बुकिंग नहीं कराया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोट में भी पे कर सकते हैं। मैंने देखा हमारे बोट में, मैंने तो ऑलरेडी बुकिंग करा रखा था आईकॉम से, बट आईकॉम के बोट में बहुत लोग डायरेक्टली चढ़े और वहीं पे उन्होंने अमाउंट पे किया और चले, वैसे भी आप जा सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू गो टू माले, आपका होटल बुकिंग है वहाँ पे, या फिर आप एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आ गए हैं, आप एक माले का एक टूर करना चाहते हैं तो भी आप अगर माले जाना चाहते हैं तो माले के लिए फिर मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट फेरी ले लीजिए $1 में, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, उसमें आप चले जाइए। अदरवाइज़ यू कैन टेक ए टैक्सी ऑल्सो। ओके, और अगर आपको बस में जाना है तो जैसे मैं ये एयरपोर्ट से बाहर निकला था, लेफ़्ट साइड में मैंने जैसे आपको कहा था फेरी एंड अदर थिंग्स है, टैक्सी वगैरह है, इसी तरीके से आप राइट साइड में आ सकते हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये टर्मिनस जैसा बना हुआ है यहीं पे आपकी बसें रुकती हैं, आप वहाँ जाके किसी से पूछ लीजिए एयरपोर्ट की जाने की बसेस कहाँ रुकती है, तो यहाँ आपको रुकेगी। मैं बस का फेयर तो चेक नहीं कर पाया हूँ, बट बस भी काफ़ी चीप रहेगा, हार्डली 10-15 रुपया में लेके जाएगा आपको, $1 से कम ही रहेगा, जो पब्लिक फेरी का जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली उसी कॉस्ट में आपको ले जाएगा। आप यहाँ से बसेस में भी जा सकते हैं इफ़ यू वांट, इस तरह के कुछ यहाँ के पब्लिक बसेस होते हैं, कुछ पिंक एंड ब्लू कलर में दिखते हैं आपको, इसमें R3 R4 ऐसे नंबर लिखे रहते हैं जो एयरपोर्ट से कुछ सर्टेन प्लेसेस तक जाते हैं। तो इस तरह के कुछ पिंक एंड ब्लू कलर में आपको AC बसेस मिल जाएंगे यहाँ से। सो इस तरीके से जो है आप अगर माले एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको माले एयरपोर्ट का एक ओवरऑल जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो से। सो इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं मालदीव सीरीज़ के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।